गांव से दूध निकलवा के गाय भैंस का और बाजार में शहर में जाता था बेचने। ध्यान देना, तो शहर में एक सेठ जी थे दुकानदार, उन्होंने कहा दूध विक्रेता से, भैया कल हमारे लिए 2 किलो मावा बना के लाना, खोआ जो जिसकी रबड़ी बनाई जाती है। उन्होंने कहा ठीक है सरकार, बना लाऊंगा। उसने घर में जाके अपनी पत्नी से कहा, बोले सेठ जी बड़े पूजा पाठ वाले हैं, भगवान का भोग लगता है, बढ़िया तरह कढ़ाई साफ करो, दूध को अच्छी तरह मावा बनाओ। पत्नी ने बनाया महाराज बड़े तरीके से, उसने तौल के 2 किलो मावा और रख लिया और लेकर गया सेठ जी को, दे दिया, सरकार लो। सेठ जी ने कहा पूरा तो है, हाँ हाँ तौल लीजिए ना। सेठ जी बोले नहीं नहीं हमें विश्वास है तुम्हारे ऊपर। लेकिन सेठ जी भला विश्वास कर जाए, वो जैसी दूध बेचने वाला आगे बढ़ा, उन्होंने तुरंत तराजू में रख दिया और देखा तो 200 ग्राम कम निकला। सेठ जी ने कहा वाह, ये तो चूना लगा के चला गया। सेठ जी बोले आने दो इसको कल। दूसरे दिन जब ये आया तो कहा क्यों रे, 2 किलो में 200 ग्राम कम दे के गया है। उसने कहा सेठ जी कम नहीं है, बराबर है। उन्होंने कहा बराबर है, कैसे मालूम है तुझे बराबर है? बोले मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप कभी कम नहीं तौलते हो। सेठ जी ने मनी मन में कहा बेटा तुझे क्या मालूम, हम तो रोज कम तौलते हैं, हमारे लेने वाले बांट दूसरे हैं और देने वाले दूसरे हैं, तुझे क्या मालूम? सेठ जी बोले हाँ हाँ हाँ, हम कभी कम नहीं तौलते। तो दूध बेचने वाले ने कहा सरकार जब आप कम नहीं तौलते हो तो मेरा खोआ कम नहीं हो सकता। कैसे? बोले मेरे घर में तराजू तो है पर तौलने वाला बांट नहीं है, वजन करने वाला। तो बोले फिर कैसे तौल के लाया? बोले जो कल आपसे 2 किलो चीनी लेके गया था, एक पलड़े में वो चीनी रख ली और एक पलड़े में उसकी बराबर मावा तौल दिया। अब ये बताओ आप, मैंने 2 किलो जो चीनी मांगी थी वो कितनी दी थी आपने? सेठ जी की नजरें नीचे को हो गई, ये तो हमारा ही भोग है भाई, हमने जो बोया है वही तो मिलेगा, दूसरा थोड़ी मिल जाएगा।